दोस्तों, कोरोना को लेकर एक बार फिर से जो है बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देश भर में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। उसी बीच पंजाब गवर्नमेंट ने नई हिदायतें तो लागू कर दी हैं, सो उसके बाद अब स्कूल्स के ऊपर जो है वो सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। तो एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खबर निकल के आ रही है दफ्तर डिप्टी कमिश्नर कम जिला मैजिस्ट्रेट श्री मुकरसर साहब। कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार वालों पत्र नंबर दिता गया है मिती 13/8/2022 को पाबंदियों के हुक्म जारी किए गए। इन्होंने हुक्मों की पालना में सैक्शन 2 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तहत जिला मुक्तसर साहब की हदूद अंदर हेठ लिखे अनुसार पाबंदियां लागू की जाए। सारे सिक्ख्या संस्थावां, सरकारी प्राइवेट दफ्तर, इनडोर आउटडोर इकट्ठा, माल जनतक थावां ते मास्क पहनना लाजी किया जाएगा। सो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट जो है फिर से निकल के आ रही है कि अब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो मैजिस्ट्रेट हैं वो हुक्म लागू कर रहे हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर रहे हैं। सो उसी बीच ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जितने भी स्कूल्स होंगे, प्राइवेट दफ्तर होंगे, सरकारी दफ्तर होंगे, इंडोर आउटडोर जो स्टेडियम्स होंगे जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे मास्क पहनना अब लाजमी हो चुका है। इसके अलावा COVID-19 तो बचाव के लोड़ीदा सावधानियां जिवें कि समाजिक दूरी, खंघन या छिकण कारण हवा विच कोविड संक्रमण नूं रोकण लई लोड़ीदियां सावधानियां वरतियां जाण अते जनतक थावां ते थुक्कण ते परहेज किया जाए। सो इसके अलावा देखिए दोस्तों, जिले दियां सारियां लैबोरेटरियां, कलैक्शन सेंटर जिथे COVID-19 का टैस्ट किया जाता है, उन्हां वल्लों इन्हां टैस्टां दे नतीजे पंजाब सरकार कोवा पोर्टल ते अपलोड करनगे अते इह रिपोर्ट जिले ते स्टेट कोविड सैल नूं भी भेजे जाणगे। सो दोस्तों, अब फिर से जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद लेने का फैसला तो नहीं आ सकता, लेकिन हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड को लेके वो फिर से लागू हो चुकी हैं। अब देखना यही होगा कि इसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। जैसे कि बड़ी अपडेट निकल के आएगी, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही।